तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने उसमें दो तीन टाइप्स पढ़ लिए थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया था और एक हमने वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में समझ चुके थे क्या क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो कितने टाइप्स के और भी होते हैं। तो मैंने बताया था कि शायद 8 या 9 टाइप्स के होंगे, तो उनमें से हमने 3 पढ़ लिया। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या फिर उसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये अभिक्रिया होता क्या है। ये जो हमने स्टार्ट किया है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है। यह इस प्रकार का अभिक्रिया होता है कि इसमें कोई यौगिक होता है और यौगिक में से जो परमाणु होते हैं या फिर उनके परमाणु के समूह होते हैं, उसमें यौगिक में ही ना होता है कि परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, तो वो आपस में जुड़े रहते हैं या फिर एक ही प्रकार के होते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि एक जो होता है वो क्या होता है कि किसी दूसरे परमाणु द्वारा उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, तो देखिए जो आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है वो क्या होता है कि हमारे पास वैसा है अभिक्रिया जिसमें कि एक यौगिक होता है और यौगिक में क्या होता है, परमाणु या तो परमाणु के समूह होते हैं। उस परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या किया जाता है कि किसी दूसरे परमाणु द्वारा, कोई अन्य बाहर से परमाणु आएगा और उसको क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई एक धातु है जिंक, ठीक है, और इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं तो देखिए, ये हमारे पास यौगिक हो गया जिसमें कॉपर उपस्थित है। अब देखिए, यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब कि यह इसके साथ चला जाएगा और इससे अलग हो जाएगा, तो बन गया आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में क्या हो गया, कॉपर बन गया। तो ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं इसको हम क्या कह देते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक परमाणु जो है इस यौगिक में उपस्थित उस परमाणु को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, इसको हटा करके अपने जगह पर आ जा रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है। तो किस प्रकार के तत्व हटाएंगे, क्या कॉपर भी जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो ऐसा कभी अभिक्रिया होगा ही नहीं। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए रीज़न ये है क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील होता है। ध्यान दें कि जो कम क्रियाशील होते हैं वह क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाएंगे, कम क्रियाशील जो धातु होंगे वो अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या हो जाएंगे, विस्थापित कर देगा। कौन, अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रूफ करके बताइए कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आप इस अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं जिसमें जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो केवल ऐसा ही हो सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए हमारे पास फेरस है और फेरस को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया,
तो क्या होगा, तो फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो फेरस कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, इसको विस्थापित कर देगा अपने स्थान से, तो बन जाएगा FeSO4 और प्लस में कॉपर। इस बात से हमें पता चल रहा है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देते हैं, यही है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। और भी उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कोई एक धातु है जिंक, और इसका अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि हाइड्रोजन जो जिंक है वो क्लोरीन के साथ जाकर के रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन इससे अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnCl2+H2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया और इधर इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से एक ये जो यौगिक है इस यौगिक में से एक परमाणु को क्या कर दिया गया है, जिंक द्वारा विस्थापित कर दिया गया है। और एक दो और समझ लेते हैं, ऐसे ले लीजिए कोई एक और एग्जांपल, सोडियम ब्रोमाइड, ये है सोडियम ब्रोमाइड और प्लस हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो देखिए क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या करेगा, क्लोरीन जो है इस ब्रोमीन को हटा देगा, यानी कि इसको इसके जगह से विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और इधर बन जाएगा Br2। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। चलिए अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया का, जो टाइप्स है वो है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसका एक और नाम है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो क्या होता होगा, दो चीज आपस में क्या कर रहे होंगे, आदान प्रदान यानी एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहे होंगे। तो इस अभिक्रिया में देखिए होता क्या है कि यह जो अभिक्रिया होता है, यानी इसका परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो यौगिक होते हैं और वे यौगिक अपने आयनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। आदान प्रदान करने का मतलब कि एक यौगिक के पास धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है, दूसरे वाले के पास भी धन आयन होगा और ऋण आयन होगा। अब ये क्या करेंगे कि अपना धन आयन इस ऋण आयन को दे देगा, इसका ऋण आयन इसके धन आयन के पास आ जाएगा। आइए इसको हम समझ लेते हैं कि मान के चलिए एक ए और बी नाम के एक यौगिक है जिसमें दो तत्व आपस में जुड़े हैं, तो एक धन आयन होगा और दूसरा क्या होगा, ऋण आयन होगा। इसमें एक और ले लेते हैं सी और डी, तो पहला जो है वो धनायन होगा, दूसरा क्या होगा, ऋणायन होगा डी। तो इस तरीके से इन दोनों में अगर उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका धनायन यानी कि ए बी में से निकलेगा धनायन और इसमें से निकलेगा आपका ऋणायन, ये दोनों आपस में जुड़ करके ए और डी क्या बना लेंगे, ए डी एक नया यौगिक बन जाएगा और इसमें से निकलेगा आपका प्लस यानी कि धनायन और इसमें से निकलेगा माइनस यानी कि ऋणायन, और ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, सी बी एक नए यौगिक का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या यौगिक बन गया, दो यौगिक बन गए, किससे बने हैं, तो इन दो यौगिकों से, यानी कि ए बी और सी डी मिल करके जब उभय विस्थापन अभिक्रिया इनके बीच में हुआ तो ए डी और सी बी का निर्माण हुआ। इसमें क्या किए कि ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, समझ चुके हैं इसे। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अभिक्रियाएँ होती हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का थोड़ा सा हम लोग पदार्थ थोड़ा सा मात्रा मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये दोनों अपने आयनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान करेंगे, इनके बीच में उभय विस्थापन अभिक्रिया होगा। किस प्रकार, देखिए अब इसमें धन आयन कौन है, सोडियम है, इसमें ऋण आयन कौन है,
नाइट्रेट, ये आयन देख रहे हैं NO3। तो ये सोडियम आयन और ये नाइट्रेट आयन आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। और इसका प्लस इसका माइनस दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, एक अलग सा यौगिक बना देंगे, AgCl, यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास कितने प्रकार के दो पदार्थ मिल गए आपके, एक तो मिल गया AgCl सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा सोडियम क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं AgCl वो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये जब अभिक्रिया होगा तो सिल्वर क्लोराइड जो है आपके इस विलयन में एक ठोस के रूप में दही जैसा पदार्थ सफ़ेद कलर का इसमें ऊपर आ जाता है जो कि दिखाई देता है, उसको हम कह देते हैं अवक्षेप बनना। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण हो सकता है। आइए दूसरा अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। इसमें देखिए NaCl, ठीक है, ये छोड़िए ये वाला लेते हैं। हमारे पास एक HCl है, ठीक है, और दूसरा लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल के बीच में अभिक्रिया करा रहे हैं। पहले हम लोग को पता है ये है कि जब भी अम्ल और कोई भस्म अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और क्षार बनाता है। यहाँ पर देखिए अम्ल, सॉरी ये भस्म है और ये अम्ल है। अम्ल और भस्म के बीच में अभिक्रिया होगा तो क्या बनता है, लवण बनता है और क्षार बनता है। तो लवण कहिए क्षार कहिए, इधर ध्यान दीजिए, ये है आपका भस्म, ये है आपका अम्ल। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, सॉरी मैंने क्षार कहा, ये जल बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो क्या बनेगा, तो हमने बताया कि जब भी उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है तो उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये दोनों अपने आयनों का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आइए किस प्रकार से करते हैं, इसका प्लस Na, इसका माइनस Cl, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, लवण बन गया और जल के भी बनना चाहिए इसमें, देखते हैं। तो इधर का ये प्लस और इसका माइनस ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, H2O, यानी कि जल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। समझ चुके हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट करें, और इसका नोट्स डाउनलोड करना हो तो हमारे वेबसाइट www.dareclass.com पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।